दोस्तों, आप लोगों ने भगवान शंकर की बारात के कथा के बारे में सुना ही होगा। थोड़ा मैं बता देता हूँ। भगवान शंकर की बारात में बाराती गांजा सेवन किए, भांग पिए हुए, धतूरा खाए हुए, नशे में मद मस्त होकर जा रहे थे। अब भगवान भोलेनाथ की ही बारात थी, फिर भगवान शंकर के परिवार यानी कलयुग में गणेश परिवार की बारात जाए और नशा न हो, कैसे हो सकता है? बारात कलयुग के सर्व सुविधायुक्त साधन रेवांचल एक्सप्रेस रेल में सवार होकर जा रही थी। शराब सहित नशे का भरपूर सेवन किया हुआ था। अब अगर कलयुग की सत्ता में भगवान शंकर यानी मोदी बैठे हों, तो फिर गणेश परिवार की बारात तांडव न करे, यह कैसे हो सकता है? ऐसा अगर न होता तो शायद इसे दल की बेइज्जती भी माना जा सकता। सतना से बारात चली, उपद्रव शुरू हो गया। सतना आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस को लोगों ने सूचना दी। हिम्मत है किसी की सामने आने की? कोई आया भी नहीं। ट्रेन पहुंच गई कटनी। सतना से कटनी पहुंचने में ट्रेन को लगता है 1 घंटे। बार बार चैन पुलिंग के कारण ट्रेन लेट भी हुई। बारातियों का तांडव अनवरत जारी रहा, मगर कटनी पुलिस कहती है उसे देर से सूचना मिली। घंटा कुछ करने की हिम्मत नहीं, बहाना बना दिया, देर से सूचना मिली। दमोह के पास सिर्फ दीपक सिंह को पुलिस ने घेराबंदी करके दौड़ा दौड़ा कर ललकार कर शायद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरपीएफ कमांडेंट जयन्ना कृपाकर का कहना है शेष उपद्रवियों की तलाश जारी है। कुल 180 बाराती थे। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाकर देखें, जो व्यक्ति परिवार के साथ इस ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा, उसके और उसके परिवार के लिए यह यात्रा किसी हादसे से क्या कम रही होगी? पूरी ट्रेन में जो भी लोग परिवार के साथ, सीधे अर्थों में कहें अपने घर की महिलाओं के साथ यात्रा कर रहे होंगे, उन पर क्या गुजरी होगी, जरा सोच कर देखें। अब पुलिस को ही लें, 180 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर रही है। यह जब जब पेशी जाएंगे, लौटते वक्त यात्रियों के परिवारों के साथ क्या क्या होगा, इसकी भी कल्पना करें। वैसे पेशी की तारीख लोगों को पता करके ही यात्रा करना होगा। मामला पंजीबद्ध होगा अभी तो इसी में संदेह है। 10 लाख जुर्माना कहीं अधिकारी को उल्टा न देना पड़े, इसके भी चांसेज हैं। और हर पेशी ट्रेन को एक एक व्यक्ति के आने का इंतजार करने के लिए घंटों प्लेटफार्म पर खड़ा रहना पड़ सकता है। पुलिस कितनी निर्भीक, जांबाज, असहाय प्रतीत होती है, यह तो सभी ने देख ही लिया है, जान ही लिया है। बारात के यादगार पल बारातियों के लिए भी और सहयात्रियों के लिए भी। बाराती मजा लेने के लिए, सहयात्री सजा भुगतने के लिए इसे याद रखेंगे। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।